हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर सुबह है, सुबह का टाइम है, मतलब मॉर्निंग का टाइम है। तो बस व्लॉग बनाना शुरू कर दिया है किचन से। और तो आज बनानी है यहाँ पर आलू और लौकी की सब्जी, सिंपल सी बनाई है बिल्कुल, लौकी और आलू की सब्जी। क्योंकि आज टमाटर नहीं थे, ख़त्म हो गए थे टमाटर, और रात में देखा ही नहीं था कि सब्जी मतलब नहीं है। तो बस यहाँ पर बिल्कुल सिंपल ही बना दिए हैं आलू और लौकी। तो आप लोग देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है, इसमें ना टमाटर ना प्याज कुछ नहीं है, सिर्फ हरी मिर्च डाली थी। प्याज हम लोग यूज़ कम करते हैं सब्जी में, और टमाटर थे नहीं, तो इसी वजह से सिर्फ ये सिंपल सी ही बना दी थी। और अब ये देखिए, दही जमाई थी रात में, जमाई थी और फिर इसको फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि दही अगर बाहर रह जाती है तो खट्टी हो जाती है, और फिर जब खट्टी हो जाए तो अच्छा नहीं लगता, जो उसका रायता वगैरह है या दही भी खाने में ना खट्टी खट्टी अच्छी नहीं लगती। लेकिन बहुत सारे लोग खा लेते हैं खट्टी दही भी, लेकिन हाँ बच्चे दोनों नहीं खाते, उन्हें बिल्कुल एकदम ताज़ी ताज़ी ही देती हूँ, जिससे नाइट में जमाई और सुबह मॉर्निंग में दे दी। तो जो दही मैं हमेशा इस वाले भिगोने में ही जमाती हूँ, सिल्वर का है ये वाला। तो यहाँ पर जो है दही दूसरे वाले भिगोने में निकाल ली है, क्योंकि उस वाले भिगोने में इसलिए नहीं डाली कि थोड़ी सी प्लेन दही भी बचाई थी, अलग बचा के रख ली थी। और जो है इस वाले भिगोने में बूंदी का बनाना है रायता, तो बस इसमें डाल दिए। रायता बनाना तो बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन बस जो चीज़ें मैंने देखा बनाई हैं वही आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो बस इस दही के अंदर डाल दिए हैं बूंदी, और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक और हल्की सी मिर्च। आप अपने हिसाब से इसमें धनिया भी, सॉरी जीरा भी डाल सकते हो, मसाला चाट मसाला भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला, बस सिंपल सी बनाई थी बनाया है। और आप इसको फ्रिज में रख देंगे ढककर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ठंडा हो जाए हो जाए। और अब आज ही मैंने मंगाई है थोड़ी सी पैंट और लेगिंग, थोड़ा थोड़ा सा मंगाया है, जिस हिसाब से सेल होती है उसी हिसाब से मंगवा लेती हूँ, ज़्यादा तो नहीं मंगवाया है। जैसे कि ये ब्लैक है, ये लायरा की लेगिंग पहले मैंने रखती थी, लोकल वाली लेगिंग, लेकिन मेरी लोकल वाली लेगिंग्स की भी फुल्ली गारंटी है, उसमें भी कुछ नहीं होगा, ना बबलिंग ना कलर फेड होगा। लेकिन अब शॉप के हिसाब से कस्टमर लायरा की मतलब ब्रांडेड भी मांगने लगे, तो ये मैंने रखनी शुरू कर दी है। तो ये मैंने 10-12 पीस तो मंगाए हैं लायरा की लेगिंग, ये वाली है एंकल लेंथ, और ये वाली मंगाई है थोड़ी थोड़ी सी पैंट, क्योंकि पैंट मैं एक साथ ही काफ़ी सारी ले आई थी, लेकिन जो कॉमन कलर हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो मैंने उसी के ये बॉक्स मंगवाए हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से बॉक्स में पैक होके आते हैं, एक बॉक्स में 5 पीस का पैक आता है। तो एक मंगवाया है ये रेड वाला, और ये मंगाया है बिल्कुल प्योर वाइट, इसमें भी 5 हैं। और कुछ मेरे ये कलर ख़त्म नहीं, ये मतलब कस्टमर ने बोले हुए थे किसी मतलब अलग अलग कलर, तो ये मैंने इसके हिसाब से मंगवा दिए हैं। कोई जैसे जैसे मेरे कस्टमर बोलते हैं उसी हिसाब से मैं इन सब चीज़ों को मंगवा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो काम नहीं है, आप सब लोगों को मालूम है, छोटा सा काम है बट चलता रहता है थोड़ा थोड़ा भी धीरे धीरे, और ऐसे ही चलता रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा भी चलता रहता है तो उससे भी काम चलता ही रहता है। तो बस यही मंगाया मैंने आज, थोड़ा सा सामान, थोड़ा नहीं है ये भी, लेकिन दिखने में थोड़ा है, लेकिन जब लेने मार्केट में जाते हैं तो यही 8-9 हज़ार का, यही थोड़ा सा सामान, यही 8-9 हज़ार का सामान है, बस लगता थोड़ा है बट है कॉस्टली, तो क्वान्टिटी उसकी कम लगती है। तो बस अब मेरा टाइम हो रहा है घर जाने का, और एक वीडियो मैंने डाल दी है और दूसरी मैंने अभी से शुरू कर दी है। चलो मिलते हैं कल की वीडियो में। और यहाँ पर ये गिफ्ट आया था, मतलब गिफ्ट पैक मिला है ये, तो ये लेके आए थे कल शाम को, मतलब जब ऑफिस से आए थे तो तब लेके आए थे। तो यहाँ पर जो है अभी इसको खोल रहा है, और ये मैंने सैनिटाइज़ कर दिया था,
जब ये लेके आए थे उसके एक दो घंटे बाद खोला था, क्योंकि ये तो 7 बजे 6:30 7 बजे आ जाते हैं, तो ये मैंने नाइट में खोल के देखा था। क्योंकि कुछ भी चीज़ हो तो खुद को भी लगता है और बच्चों को भी लगता है कि पता नहीं इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो जो है यहाँ पर अवि है मेरे साथ, अवि खोल रहा है, और मैंने एक हाथ से मैंने भी खुलवाया था क्योंकि मेरे दूसरे हाथ में जो कैमरा था मतलब फ़ोन था, तो ये देखा है इसमें क्या क्या है। तो इसमें ये मिल्टन का पूरा सेट है, इसमें थी एक बाल्टी और एक था स्टूल मग था और एक था सौप रखने वाली बॉक्स जो होता है वो था। तो ये वाला जो गिफ्ट है इन्हें ऑफिस से मिला था, तो मतलब कोई दिवाली नहीं है कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ऑफिस से गिफ्ट मिला था। और इन्हें कई बार ऐसे गिफ्ट मिल चुके हैं, और इन्हें ऑफिस से इसलिए मिला था क्योंकि इनकी जो कंपनी है मतलब ऑफिस है वो मेडिसिंस का है, और कोरोना के टाइम में मेडिसिंस बहुत बिकी हैं, तो जो सेल है वो बहुत ज़्यादा हुई थी। तो कंपनी से मतलब सब एम्प्लॉय को एक एक गिफ्ट मिला था। कोई दिवाली की का नहीं था कि आधे लोग सोचेंगे कि दिवाली का दे दिया पहले से ही, नहीं ये दिवाली का नहीं था, ऐसे ही मतलब खुशी में मिला था सबको, जितने भी एम्प्लॉय थे मार्केटिंग के थे अकाउंट्स के थे जितने भी बंदे थे सबको ये गिफ्ट मिला था। ज़्यादा अच्छा नहीं था फिर भी ठीक था जो मिल गया, क्योंकि कुछ ना से कुछ तो मिला। तो ये मिल्टन का है, और ये वाली सब सारी चीज़ें सब घर के अंदर होती हैं ऑलमोस्ट सभी के, तो ये मैंने ऐसा ही पैक करके रख दिया है। और अब देखते हैं दिवाली पे अलग से मिलेगा, और जब इनके यहाँ पे सेल ज़्यादा होती है जिस मंथ, तो उस मंथ या तो मिठाई का डब्बा मिलता है या तो कुछ भी ऐसा छोटा छोटा सा गिफ्ट कुछ भी मिल जाता है जो मतलब उनके उनको उनके अकॉर्डिंग जो ठीक होता है। तो बस यहाँ पर जो है ये अभी के टॉय पड़े हैं, इनको भी समेटना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, और कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर सांस ले लूँ पहले, तो मैं दुकान पर अभी आई हूँ घर से, क्योंकि कोई कस्टमर था आज तो उन्होंने फ़ोन किया, तो उन्हें सामान देने की वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा थोड़ा सा 10-15 मिनट, वैसे तो टाइम से ही आती हूँ लेकिन फ़ोन किया और फ़ोन करके बुलाया तो इसी वजह से जल्दी जल्दी आई, फिर फटाफट बस उन्हें सामान दिया उसके बाद बैठी हूँ। और अब आप लोगों से बात करनी है थोड़ी सी, तो कई दिन हो गए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से थोड़ी सी बात करूं। और पंखा चल रहा है, बाल भी बस जल्दी जल्दी फटाफट जैसे उन्होंने कॉल किया फ़ोन किया तो मैं एकदम छोटी भी कंघी की और एकदम से आ गई। और देखो मैंने आज ये नई वाली कुर्ती पहनी है, अभी मैं बैठी हूँ, कैमरा भी हिल रहा है थोड़ा सा, ये वाली जो मैंने आप लोगों को कल दिखाई थी इसका फ्रंट है। बताना मेरी कुर्तियाँ कैसी लगी स्टिच की हुई, और भाभी सिलती हैं मेरे सारे कपड़े, और ये जो कपड़े हैं ना मैं अपने कपड़ों के ही मतलब फैब्रिक के ही बनवाती हूँ, ऐसा नहीं मैं रेडीमेड नहीं पहनती, रेडीमेड है ना कम पहनती हूँ, रेडीमेड जो कपड़े हैं ना मुझे कंफर्ट कम लगते हैं, बस रेडीमेड तो मैं लायरा की पैंट निकालती हूँ और कुछ नहीं, इससे अलग कुछ नहीं। या कभी कभी प्लाजो निकाल लिया, प्लाजो भी वैसे मैं भाभी से सिलवा के ही पहनती हूँ स्टिच करवा के ही पहनती हूँ। तो बस अब बहुत ज़्यादा खुल गया है, इसको फटाफट समेटूंगी क्योंकि कस्टमर का ना पता नहीं चल रहा कि कब आ जाए, वैसे तो श्राद्ध है तो काम थोड़ा सा कम हो गया है, पहले के अकॉर्डिंग नहीं है फिर भी, लेकिन है थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े से ही चलता रहता है क्योंकि काम बंद नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा है तो थोड़ा थोड़ा भी चलते रहना चाहिए, ये नहीं है कि वो थोड़ा भी बंद हो जाए। तो बस और कैसे हो आप सभी तो कमेंट करके बताना। और जब से कोमल के यहाँ से आए हैं तो मन ही नहीं लग रहा है, ईया का नहीं लग रहा है, मेरा तो लग गया क्योंकि मैं तो काम में इतनी बिजी हूँ कि टाइम ही नहीं है फ़ोन वोन करने का किसी के पास, बस अपना काम घर बच्चे वही तीनों चीज़ें नज़र आती हैं, और वही तीनों चीज़ें हैं बस, दुकान से जाऊँगी घर, घर पे वो घर का काम, फिर घर से घर का काम करके आऊँ घर, होती हूँ तो दुकान की लगती है कि बस चलो जल्दी से दुकान चलो, क्योंकि कस्टमर का ना पता नहीं चलता कि कब आ जाए, कस्टमर तो कोई ना कोई तो आता ही रहता है जब शॉप है तो कोई ना कोई तो आएगा ही। तो बस यही था आज, छोटा सा व्लॉग बनाया था, ज़्यादा बड़ा नहीं, जैसे जैसे टाइम मिलता है उसके हिसाब से। और लाइट पड़ रही है यहाँ पे सामने से, अंधेरा अंधेरा सा, अंधेरा इसलिए हो रहा है ना शाम का टाइम है, शाम के 6:30 7 बज रहे हैं। तो बस अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ, तक के लिए बाय बाय। और अब आधे लोगों को ये आधा गया, सभी को बिलीव हो गया होगा कि मैं और कोमल सिस्टर हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट बाद तक भी आ रहे थे, पहले मैंने रिप्लाई भी किया था फिर मैंने रिप्लाई करना बंद कर दिया, जवाब देना ही बंद कर दिया, तो अब
परसों तरसों 3-4 दिन पहले की वीडियो में मैंने दिखाया भी है, तो अब उन लोगों को यकीन हो गया होगा कि मैं कोमल की सिस्टर हूँ या नहीं। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं गई थी, वीडियो तो मैंने वहाँ भी बनाई थी, वही वाली वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर की है, तो अब उन लोगों को अच्छी तरीके से बिलीव हो गया होगा कि मैं कोमल की सिस्टर हूँ या नहीं हूँ। नहीं, अगर उन्हें अब भी यकीन नहीं है नहीं हूँ तो ठीक है, बस मैं नहीं हूँ, अगर हो गया है तो फिर ठीक है मैं हूँ। तो भाई चलो भाई, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।